दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है, ये आप सब लोगों को पता है। और ये बहुत रहम वाला, बहुत करम वाला महीना है, बहुत पाक महीना माना जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा महीना दिया है कि सारे गुनाह उनकी और सारी खताइयाँ सब माफ़ हो जाती हैं। इसी चीज़ को लेके, क्योंकि मुसलमान जो होता है ये बड़े जज्बे वाली चीज़ होती है, और इसी चीज़ को लेके मैं आपको कुछ हकीकत दिखाने जा रहा हूँ। इस रमज़ान के महीने में जो है, काफ़ी लोग जो मांगने के लिए आते हैं, जकात फितरा इस तरीके से लोग मांगने के लिए आते हैं आपके पास, और बड़ा एक इस तरीके से पेश करते हैं आपके सामने कि आपके दिल में रहम आ जाता है और आप फौरन निकाल कर उनको दे देते हैं। और आप कहीं भी उन्हें इसको देने लायक है जकात फितरा की नहीं देने लायक है, आप उसको भरोसा करके दे देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर मांगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सच है कि अल्लाह के नाम पे अगर मांगता है तो अल्लाह ने भी कहा है कि आप सोच समझ कर, आपको मैंने अक्ल दिया हूँ, आपको दिमाग दिया हूँ, आप सोचिए समझिए, आँख दिया हूँ देखिए, और फिर उसके बाद आप उसको दे दीजिए ताकि उसका हक उसको मिल जाए। इसी तरीके से मैं कुछ आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि वो मुस्लिम नहीं है लेकिन फिर भी जकात फितरा के लिए जो है वो होलिया बना के लेते हैं, जो मतलब दाढ़ी रख लेते हैं, सर पे कपड़ा बांध लेते हैं, कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, औरतें जो है वो बुरखा पहन लेती हैं, और इस चीज़ के आड़ में वो पहचानी नहीं जाती है क्योंकि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है, और आप लोग ऐसे लोगों को दे देते हो। इनका नाम है पन्नालाल, ये मुसलमान बने घूम रहे हैं, ये फितरा जकात सब मांग रहे हैं। आप लोग इनसे होशियार रहिए, ठिलिया वाले जहाँ कहीं दिखे एक रुपए खराब ना करिए, मारिए अलग से। इनका नाम है पन्नालाल, बाप का नाम रामा, बाप का नाम रामा सरे, और ये दाढ़ी देखिए, और ये पगड़ी देखिए, और ये लिबास देखिए। बराए मेहरबानी जितनी भी ठिलियाँ मिले सबको पकड़िए, ये हमारे जिस जिस भाइयों पास जा रहा आप इधर आइए। ये मुन्नी भाई नाम कल्लो बता रही हैं, लेकिन गैर मजहब की, नाम मुसलमान का खराब, यही कहती हैं बुरखा बंद करो, नकाब बंद करो। बदनाम मुसलमान बहने कि मुस्लिम कहती बुरखा बंद करो। ये जो जो देख रहा है गौर से देख लो, ये मुसलमान औरत नहीं है, ये नकाब पहने हिंदू औरत है, और ये चंदा जितना का जकात फितरा वो सब मांग रही है, और ये गैर मुस्लिम है। ये फोटो या एसएमएस जिस जिसके पास जाए आप सब ठिलिया वालों से इंक्वायरी करिए, खासकर सब मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश है कि ऐसी औरतों पर रहम बिल्कुल ना करिए, ये सब गैर बिरादर हैं। तो ऐसे लोगों को आप कतई जो है जकात और फितरा ना दें, क्योंकि आपका पैसा जो है जाया जाता है। जिस तरीके से एक पेट भरे आदमी को खाना खिलाओ और दुआ आपको नहीं मिलेगी, खाली पेट वाले को खिलाओ तो आपको दुआ मिलेगी, उसी तरीके से जकात और फितरा भी है। इनका पेट भरा हुआ रहता है, दूसरी चीज है ये उसके हकदार नहीं रहते हैं। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।